पटना से खबर, जहां पर सिविल कोर्ट में ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक वकील की मौत हो गई है। वकील देवेंद्र कुमार की इस ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट में मौत की खबर आ रही है। ब्लास्ट में कई अन्य लोग भी झुलसे हुए हैं। चपेट में आए वकील और मुंशी बताया जा रहा है, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया इलाज के लिए। सबसे पहले दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और ब्लास्ट के बाद वकीलों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। घटना के बाद वकीलों की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, दुखद खबर सामने आती हुई इस ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट में एक वकील की मौत तक हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये दुखद घटना है। पटना सिविल कोर्ट में हर वक्त भीड़ रहती है, हजारों की भीड़ रहती है पटना सिविल कोर्ट में। और बिल्कुल जो मेन गेट है उसके बगल में ये ट्रांसफार्मर है जहां पहले आग लगी और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ। कई जो एडवोकेट है वहां से होकर गुजर रहे थे, वो उसकी चपेट में आ गए, कई लोग झुलस गए। एक जो देवेंद्र कुमार अधिवक्ता नोटरी एडवोकेट बताए जा रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है। जो अधिवक्ता है वो इस घटना से बेहद नाराज है। तस्वीरों में देख सकते हैं मेन गेट नंबर एक जो है उसके बगल में उनकी डेड बॉडी भी गिरी हुई है और इस घटना को लेकर बेहद नाराजगी है एडवोकेट्स में। चूंकि जो पटना सिविल कोर्ट में भी बैठने का सिस्टम है एडवोकेट्स का, उसमें चेंजिंग लाया गया है और इन्हें इधर उधर बैठना पड़ता है, तो इसको लेकर वो पहले से नाराज है। कई बार अपनी बात उन्होंने रखी है प्रशासन के सामने, लेकिन उनका आरोप है कि किसी ने आज तक उनकी बात नहीं सुनी। और मौके पर जिस तरीके से उनमें नाराजगी है, वे पटना के जिलाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी वहां पर हैं वो उनको समझा बुझा रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता शांत नहीं हो पा रहे हैं। उनमें बेहद नाराजगी इसलिए है कि उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें बदलाव किया गया है और उसको लेकर वो पिछले कई दिनों से अपनी बात रख रहे हैं, उनमें नाराजगी दिख रही है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेन ऑफिसर है उनको बुलाने की मांग, डीएम को बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस कंट्रोल में सिचुएशन को करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना पटना सिविल कोर्ट में, जहां पहले सिलेंडर जो ट्रांसफार्मर है उसमें आग लगती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। जो घायल लोग हैं उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है।